वाराणसी में सोमवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 67 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 88 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से 4 मरीज को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,057 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 12,296 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 748 है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत नामांकन के तीसरे दिन सोमवार को कुल 23 नामांकन हुए। नामांकन के लिए सिर्फ 3 दिन बचे होने की वजह से प्रत्याशी महादेव की नगरी में सोमवार को शुभ मानते हुए नामांकन करने पहुंचे, जहां सबसे पहले शहर दक्षिणी के सपा प्रत्याशी किशन दीक्षित नामांकन के लिए ललाट पर चंदन का टीका लगाए, पारंपरिक वेशभूषा में कंधे पर गमछा डाले और धोती कुर्ता पहनकर नंगे पांव जिला मुख्यालय पहुंचे। वहीं नामांकन करके वापस लौटते वक्त मीडिया ने जब उनकी वेशभूषा को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, मैं हर दिन इसी वेशभूषा से बाबा के दर्शन करता हूँ। वहीं भाजपा प्रत्याशी मंत्री नीलकंठ तिवारी के जमानत जब्त वाले बयान पर उन्होंने कहा कि ये तो जनता बताएगी किसकी जमानत जब्त होगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी के शहर दक्षिणी उम्मीदवार किशन दीक्षित महामृत्युंजय मंदिर महंत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वाराणसी में सोमवार को जिला मुख्यालय पर नामांकन को लेकर गहमा गहमी का माहौल रहा। इस दौरान नामांकन करने पहुंचे डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि भाजपा और अपना दल एस मिलकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास के मुद्दे पर कार्य करती आई है और आगे भी चुनाव में हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में वोट लेने के लिए जा रहे हैं और हम एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पिंडरा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश सिंह ने समर्थकों की भारी भीड़ के बीच जिला मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन किया। कार्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में भारी मतों से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। वाराणसी में सोमवार को वाराणसी कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए 8 विधानसभाओं के नामांकन स्थल पर काफी गहमागहमी रही। सभी विधानसभाओं पर प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इसी क्रम में कैंट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सौरभ श्रीवास्तव शामिल रहे। सौरभ श्रीवास्तव दोपहर 2 बजे के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने नामांकन किया। नामांकन के बाद उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लिया और कहा कि विपक्षी इस विधानसभा सीट पर सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में बनारस की जनता ने प्यार दिया है, उसी जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें 2022 में प्रचंड बहुमत के रूप में मिलने जा रहा है। जनता के प्यार को हमने काम के साथ सूद समेत वापस लौटाने का काम किया है। भाजपा ने पिछले 5 वर्षों में पक्ष के साथ ही साथ विपक्ष की भी भूमिका निभाई है। देखिए, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और आप भी इस बात को बेहतर जानते हैं कि आज ऐसा समय आ गया है कि हर घर में भाजपा के एक या उससे अधिक कार्यकर्ता हैं। ये कार्यकर्ता ही काफ़ी हैं किसी पार्टी को विजय दिलाने के लिए। कैंट विधानसभा की स्थिति ये है कि कहीं किसी दल से लड़ाई नहीं है, सभी दल अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 के शेड्यूल के हिसाब से वाराणसी में अंतिम चरण में 7 मार्च को मतदान होगा। इसके लिए वाराणसी में अधिसूचना जारी हो चुकी है और यहां 10 फरवरी से शुरू हुआ नामांकन 17 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में 14 फरवरी सोमवार को कई पार्टियों के प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन किए। इसी क्रम में शिवपुर विधानसभा सीट से सपा सुभाषपा गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पिता ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। समर्थकों की भारी भीड़ के साथ नामांकन स्थल पहुंचे डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि उनके मुकाबले में कोई नहीं है और वो अपनी सीट पर जीत रहे हैं। अब तो देखिए, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है, ये आप समझ लो। मुख्यमंत्री आर्मी उतार देंगे, हम तो भर्ती निकाल देंगे। वाराणसी में शिवपुर विधानसभा से सपा और सुभाषपा गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर के नामांकन के लिए पहुंचे उनके पिता और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कलेक्टर परिसर में नामांकन स्थल के पास अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। किसी तरह पुलिस अधिकारियों ने स्थिति संभाली और अधिवक्ताओं को शांत करवाया। इसके बाद नामांकन कर बाहर निकले प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि
अंदर ओम प्रकाश राजभर जी की हत्या की धमकी दी गई है और उनके गिरबा पर हार डाला गया है। हमारी मांग है कि हमें और ओम प्रकाश राजभर जी को सुरक्षा प्रदान की जाए। वाराणसी में आज जिला मुख्यालय पर सुबह से ही नामांकन के लिए प्रत्याशियों का आना जारी रहा। इस दौरान नामांकन के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे प्रत्याशी चर्चा के विषय बने रहे। उन्हीं में से एक हैं शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल। डॉक्टर आशीष जायसवाल अपना नामांकन करने के लिए एम्बुलेंस से पहुंचे। उन्होंने नामांकन के पहले कहा कि उनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य समस्याओं को राजनीति में प्रथम प्राथमिकता बनाना है ताकि प्रदेश की और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। दो एम्बुलेंस के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे आप प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल से जब पूछा गया कि वो एम्बुलेंस से आए हैं इसकी कोई खास वजह, तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस से आने का उद्देश्य यही था कि समाज में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए जो कि एकदम खराब। मैं डॉक्टर हूं और इस समय जो हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एक इमरजेंसी की हालत है और मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था प्राथमिकता में आए और एम्बुलेंस से आने का यही उद्देश्य है कि इस चुनाव में राजनीति में और लोगों के बीच में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत इमरजेंसी की स्थिति में पहुंच गई है, आम व्यक्ति जो ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, छोटा मोटा कारोबार करता है, उसके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो आज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी नहीं है कि उसे समय पर समुचित इलाज मिल सके, या तो पैसे के अभाव में या चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में लोग परेशान होते हैं, अकाल मृत्यु का कारण बनती है ये दुर्व्यवस्था। तो मेरे एम्बुलेंस से आने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप सबके माध्यम से लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में, राजनीति में स्वास्थ्य की व्यवस्था प्रथम प्राथमिकता पर हो और मैं राजनीति में आया ही इसलिए हूँ कि स्वास्थ्य की व्यवस्था प्रथम प्राथमिकता में हो। अभी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जिला मुख्यालय पर नामांकन की प्रक्रिया के क्रम में पिंडरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने भी सोमवार को अपना नामांकन भरा। नामांकन करने के बाद एक बार फिर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जुबानी हमला बोला। अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने में 3 दिन के संभावित प्रवास को लेकर कहा कि वो यहाँ के सांसद हैं, यहाँ वो आए उनका स्वागत है। उस वक्त वो कहाँ थे जब काशी की जनता कोरोना से जूझ रही थी और लोग मर रहे थे, उस समय उन्होंने 3 दिवसीय प्रवास क्यों नहीं किया, उन लोगों से आकर क्यों नहीं मिले जिन्होंने अपनों को इस कोरोना काल में खो दिया। कितने ही परिवार कोरोना काल में बर्बाद हो गए पर उनकी कोई सुध नहीं ली। मेरा सवाल है कि वो उन परिवारों से कब मिलेंगे आकर, ये काशी की जनता भी जानना चाहती है। हमारा ये कहना है प्रधानमंत्री जी हमें, उनका तो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से दूसरी बार सांसद रहे, बिल्कुल आना चाहिए, पर केवल चुनाव के लिए 3 दिन आके रुकेंगे? जनता बनारस की गलियों में घूमने के लिए, बनारस के लोगों से मिलने के लिए कभी 3 दिन बनारस रुके हैं मोदी जी? मेरा ये सवाल है देश के प्रधानमंत्री जी। तीन दिन पहले चुनाव में रहेंगे, बनारस के लोगों का सुख दुख जानने, कोरोना काल में हमारे यहाँ के सैकड़ों लोग मर गए, परिवार को तबाह हो गया, अनाथ हो गए, क्या मोदी जी कभी उन परिवारों से मिलेंगे? मैं ये सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री। वाराणसी में विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को हुए नामांकन प्रक्रिया के दौरान शिवपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राज भर्डे भी अपना नामांकन किया। नामांकन के पहले उन्होंने सुभाजपा और सपा गठबंधन के टिकट पर शिवपुर से लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर के पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर को बलि का बकरा बताया। वहीं शहर दक्षिणी से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का नामांकन जुलूस सोमवार को कार्यकर्ताओं के साथ चितरंजन पार्क से गुदौलिया मैदागी नदेसर होते हुए कचहरी नामांकन के लिए पहुंचा। इस दौरान नामांकन जुलूस में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। गुदौलिया से लेकर मैदागिन तक भाजपा समर्थकों का हुजूम उमड़ा दिखाई दिया। अब तो वो बता सकते हैं, पहले तो वही लड़ने के लिए आने वाले थे, आप सब लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा। हमने कहा बहुत बढ़िया है, एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, फिर पता नहीं क्यों भग गए और अपने बच्चे को बलि का बकरा बनाने के लिए छोड़ गए। मतलब हार का सामना है इस बार, बिल्कुल है। वाराणसी में शासन के निर्देश के बाद सूबे में सोमवार से सभी स्कूल खुल गए। बता दें कि इससे पहले 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के स्कूल खोल दिए गए थे। वहीं आज कक्षा 1 से 12 तक के सारे स्कूलों को कोविड गाइडलाइन के तहत खोल दिया गया।
बच्चों को स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने दिया गया। इसके साथ ही सभी छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद ही कक्षा में प्रवेश दिया गया। हालांकि डेढ़ महीने के बाद खुले स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या उतनी नहीं थी, वहीं विद्यालय के खुल जाने के बाद स्कूल परिसर में रौनक दिखी। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाए। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।